discussing about the concept of training. What is the concept of training? Why we have to do the training? Any training, why it is required? For the better result. हमें कभी भी कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी प्रैक्टिस जब करते हैं ना बेटा, तो वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें उसका बेटर रिजल्ट मिल सके. बट वी हैव टू फॉलो और टू अडॉप्ट सर्टेन डिफरेंट मेथड्स हाउ टू गेट द बेटर रिजल्ट, हाउ टू अचीव द गुड रिजल्ट. सो हेयर इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग और द मेथड रिगार्डिंग द ट्रेनिंग. ठीक है बेटा, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर इसको करना है कि कॉन्सेप्ट क्या है. सो फॉर द कॉन्सेप्ट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट और देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग और अ सर्कल. तीन टाइप के सर्कल्स कह लो उसे या उसे मेथड कह लो कि हम उसे अडॉप्ट कर सकते हैं. इसके लिए पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो, एज यू ऑल नो. अनदर वन इज मेसो एंड द थर्ड वन इज माइक्रो. हम तीन प्रकार से इनको कर सकते हैं. मैक्रो जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर या प्रचलित है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस आते हैं. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पहला है हमारे पास, ये भी आ गए फर्दर, इनकी भी डिवीजन है लेकिन एक मिनट लिखा. फर्स्ट है इसका पार्ट मैक्रो का, दैट इज प्री कॉम्पिटिशन. Second one is during competition. During competition. And the third one is beta, that is off season or you can say after the competition or you can say our conditioning period. ठीक है, ये तीन प्रकार हैं. पहले है कॉन्सेप्ट का मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो. देन माइक्रो जो है वो फर्दर फिर डिवाइड होता है, वो होता है प्री कॉम्पिटिशन में है, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन है और उसके बाद है ऑफ सीजन. अब जो पहला है प्री, क्योंकि ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन तो हमने अपना शो करना है जो हमने सीखा है. यहाँ पर सारा का सारा जो है वो प्री कॉम्पिटिशन में हम किस तरीके से करेंगे. इसमें थ्री फेजेस होती हैं बेटा, इसके भी थ्री फेजेस हैं जिसे हम हिंदी में पड़ाव भी कहते हैं. टू गेट द रिजल्ट प्री कॉम्पिटिशन, ड्यूरिंग प्री कॉम्पिटिशन टाइम हमें क्या करने होते हैं, थ्री फेजेस हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है. ठीक है, दिस इज अ फ्लो चार्ट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट और यू कैन से व्हाट इज कॉन्सेप्ट और अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग. दिस इज द मेथड ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के अंडर होता है कि हमारे पास मैक्रो, मेसो और माइक्रो टाइप के मेथड होते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा हम मैक्रो लेते हैं प्री, ड्यूरिंग ऑफ सीजन के. सीजन का मतलब है जब कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है उसके बाद हम इसको कैसे कर सकते हैं. और दूसरी चीज है कि जब प्री कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज है. नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज. ये फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज है क्या? ठीक है, सो व्हाट इज द थिंग
अगर हमारा मान लो कि साल का प्रोग्राम है, ठीक है, हमने ट्रेनिंग पीरियड जो है वो साल का लगाना है क्योंकि हमारा कंपटीशन जो है अगले साल है, देन हाउ वी हैव टू डिवाइड अवर टाइम, हमें अपने टाइम को किस प्रकार से डिवाइड करना पड़ेगा या तीन फेसेस में किस तरीके से लेना पड़ेगा सो दैट वी कैन गिव अ गुड रिजल्ट. देन वी हैव टू डिवाइड द फर्स्ट फेज. इसमें क्या है, फर्स्ट फेज में हमने 6 to 7 months का टाइम लेना है, ठीक है. अब इसमें करना क्या है, 6 से 7 महीने के अंदर, 6 से 7 महीने के अंदर हमने जनरल वार्मिंग अप, देन फिटनेस ऑफ द कंपोनेंट्स हमें पता है कौन कौन से हैं, उनके डेवलपमेंट पर जोर देना है, ठीक है. हमने किस पर जोर देना है, हमने उनकी कंपोनेंट्स के, जो फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं, दोज आर 5 एज वी ऑल नो, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन. हमने हर एक उस चीज पर मैक्सिमम जोर देना है ताकि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट या ओवरऑल ग्रोथ जो है वो आसानी से हो सके. हमने प्री कंपटीशन के फर्स्ट फेज में अपनी स्किल्स का जनरल वार्मिंग अप पर टॉप टू बॉटम, और जो फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं उनको, उनकी एफिशिएंसी को या उनको इफेक्टिव बनाने में ही सबसे ज्यादा जोर देना है. उसके बाद हमारा आता है सेकेंड फेज. सेकेंड फेज में हम क्या करते हैं, सेकेंड फेज जो होता है वो हम 2 to 3 months का ले लें, ठीक है. इसमें हमने क्या करना है, वी हैव टू स्ट्रेस, लेड अ मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन अवर स्पेसिफिक स्किल्स. हमें इसमें स्पेसिफिक स्किल्स पर सबसे ज्यादा जोर देना है. अब जहां पर वेयर एज इन द फर्स्ट फेज हम जैसे नॉर्मली करते हैं ना वार्मिंग अप के लिए जॉगिंग एक्सरसाइजेस, व्हाट इज दैट, लो इंटेंसिटी, लॉन्ग ड्यूरेशन, एरोबिक एक्टिविटीज, रिदमिक एक्सरसाइजेस, इस तरीके की एक्सरसाइज ज्यादा की जाती है ताकि हमारी कंपोनेंट्स की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है. देन वी शिफ्ट ओवर टू द सेकेंड फेज, दैट इज फॉर 2 to 3 months फॉर अ स्पेसिफिक स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अवर पर्टिकुलर गेम. जो गेम हमने सेलेक्ट की है, ये जो गेम हमारी एक्चुअली ऑप्टेड गेम है, उसके हमने स्पेसिफिक जो स्किल्स हैं उनको सीखना है कि हमने उसमें कैसे रिजल्ट देना है. वी हैव टू कम टू नो अबाउट देयर रूल्स, देयर टेक्निक्स, एवरीथिंग वी हैव टू डू. नाउ द थिंग इज, व्हाट इज टेक्सेंट, व्हाट इज टेक्निक, हाउ टू फेस द डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन. जरूरी नहीं है कि जो हमने सीखा है इन द सेम वे, आप जैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं ना आपको पेपरों में, तो आप क्या कहते हो, क्वेश्चन वॉज क्वाइट टेक्निकल, होता बुक में सही है, चैप्टर में सही होता है, बट द फॉर्मेशन इज चेंज. वो तो है क्वेश्चन, रिटन है, हमने उसको थोड़ा सा माइंड लगाया कि आई कैन गिव द आंसर और आई कैन राइट इन दिस वे, बट हियर ऑन द स्पॉट हाउ यू हैव टू टैकल द सिचुएशन विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है. स्पेसिफिक स्किल्स सिखाई जाती हैं यहाँ पर, हमारी जो है उन्हें बिल्कुल सही रखा जाता है और टेक्निक्स वगैरह सिखाई जाती हैं. थर्ड फेज के अंदर क्या होता है बेटा, हम फिर आपस में मैचेस वगैरह रखते हैं और उन मैचेस के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने ड्रॉबैक्स, दूसरे की फीडबैक्स, दूसरों की स्किल्स को जानना और उन्हें ऑप्ट करना और ये देखना कि उस टाइम हमने उसे कैसे मैनेज किया है. इस चीज का हमारे लिए देखना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि ड्यूरिंग फाइनल वी कांट चेंज एनीथिंग. इसलिए हमें उन डिफिकल्टीज के लिए मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली वी हैव टू प्रिपेयर. एंड ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन इज द टाइम, ये 3 फेजेस हैं, 7 महीने का ये, 3 महीने का ये, 2 में हम
दूसरों के साथ मैचेस खेलते हैं, ड्रॉबैक्स को अपने को फिर रेटिफाई करते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मोर प्रैक्टिस विच इज रिक्वायर्ड वी डू दैट, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। अब ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन इज द ओनली टेस्ट, यू कैन से जब आप पढ़ के आते हो तो टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस होती है कि आपने जो पढ़ा है उसे कैसे परफॉर्म कर रहे हो, हाउ यू गिव, हाउ यू प्रेजेंट द थिंग, ठीक है ना। इन द सेम वे गेम्स में भी यही है कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसी है एज कंपेयर टू द अदर टीम्स, हमारी जो दूसरी टीम्स के मुकाबले में हमारी टीम कहाँ स्टैंड करती है, हाउ मच, वो चीजें जो है वो ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन होती है एंड विच डिसाइड द विन और लूज ऑफ अ टीम, ठीक है ना। हमारा जीतना या हारना जो है वो हमारी जो इन पूरे साल की मेहनत का जो नतीजा है वो हमें ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन पता चलता है कि हमने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। उसके बाद का टाइम आता है ऑफ सीजन, ठीक है। ये नहीं कि अब कॉम्पिटिशन खत्म हो गया है सो वी शुड कीप द थिंग्स अवे और अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो, दोज हु आर इन दिस फील्ड दे हैव टू बी ऑन देयर रूटीन ऑलवेज, बट ओनली द थिंग इज दैट दे हैव टू मूव लिटिल बिट स्लो। हमारी एक्सरसाइज करने का टाइम, रिलैक्सेशन का टाइम, रिलैक्सेशन क्यों करनी है, ताकि बॉडी की मेंटेनेंस जो है वो जरूरी है, एक्सरसाइज सेम वे वो भी बहुत, इज इट क्लियर टू यू बेटा। उसके बाद ऑफ सीजन में हम क्या करते हैं, हम वह उसी तरीके से एक्सरसाइजेस करते हैं लेकिन दे आर नॉट सो विग्रस एज इट वॉज अर्ली, ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमने अचीव करना होता है, इस टाइम हमने उसे ऑयलिंग पे अपनी बॉडी को इन अ कंडीशन में रखना है कि वेन एवर देयर इज एनी कॉम्पिटिशन सो वी आर रेडी फॉर दैट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर, ये है कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग Now is it clear, beta? Kavya, now is it clear, beta? Kavya, my voice is clear, beta, now? Now is it clear, beta? Ab check karo, voice clear hai? Give me the answer back, beta. Ki voice clear hai meri ki nahi? Where is it? Let me see. Okay, once I'll stop and then move. Okay, 1 minute mein karti hu beta.